आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैनल बनाने के बाद कुछ ऐसी सेटिंग्स की दरकार पड़ती है YouTube पे, उसको कैसे करना है वो मैं आज बताने वाला हूँ आज की वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, शशि द एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट का खजाना। आज का इस वीडियो का टॉपिक है YouTube की सेटिंग्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपके चैनल बनाने के बाद इज रिक्वायर्ड, जरूरी होता है उसको करके रखना। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। और नया YouTube चैनल कैसे बनाना है उसका आई लिंक यहां पर दिया हुआ है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो टू। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है ये YouTube ओपन करना है गूगल क्रोम पे। जैसे ही आप ओपन करिएगा आपको राइट यहाँ पर मिल जाएगा थ्री डॉट में आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा डेस्कटॉप साइट, उसको आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद ये आपके मेन ओपन हो गया स्क्रीन। इसके बाद आपको यहाँ YouTube के बगल वाले में थ्री डॉट में क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ आपके इतने सारे आएंगे, जैसे ये मेरा चैनल का है तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसमें आपको जाना है, नीचे सेटिंग्स आएगा, ये सेटिंग्स है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। पहले में अकाउंट दिया हुआ है, चूज हाउ यू अपीयर व्हाट यू सी ऑन योर यूट्यूब। तो इसमें आपके पूरे जो सेटिंग्स है ये आपके बारे में दिया हुआ है, आपका गूगल अकाउंट कैसे आपको इसमें चेंज कर सकते हैं, पेरेंटल सेटिंग्स दिया हुआ है, अगर आप किड्स का चैनल बना रहे हैं तो इसमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे होना चाहिए, और मेंबरशिप्स के बारे में। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन आपके देखिए फर्स्ट में आता है डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, आप उसको ऑन करके रख भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। योर प्रेफरेंस में देखिए मैंने सब कुछ में यस किया हुआ है ताकि अब सबको पता चल सके आपके सब्सक्रिप्शन कितने हैं, आपका रिकमेंड वीडियोज होगा कि नहीं होगा, नोटिफाई मी ऑफ होम वीडियोज दैट आई माइट बी द बेस्ट व्हाट आई वॉच्ड, ये आपके दिखा सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ माय चैनल को इसको भी यस करके रखना है। यहाँ पर जितने भी सेटिंग्स हैं, रिप्लाई टू माय कमेंट्स यस कर दीजिएगा, मेंशंस आप यस करिएगा, और शेयर कंटेंट को भी यस कर दीजिएगा। इसके बाद आता है ईमेल नोटिफिकेशन, उसमें भी आप अपने योर फैमिली परमिशन को आप यस ही करके रखिएगा। और योर प्रेफरेंस में नीचे में आता है जनरल प्रोडक्ट अपडेट्स, यूट्यूब प्रीमियम अपडेट्स, ये अगर आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिएटर अपडेट और अनाउंसमेंट, यानी कि अगर यूट्यूब की तरफ से कोई अपडेट आता है उसके अनाउंसमेंट आपके पास आ जाए आपके ईमेल पे, तो उसको यस करके रखिएगा। इसके बाद आता है आपका प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्फो कार्ड, आप इसको क्लिक करके रखिएगा। सब टाइटल एंड चैनल कैप्शंस, इसको भी आप टिक करके देखिएगा, ऑलवेज आपका दिखाता रहेगा, कैप्शंस आपके पास दिखाते रहेंगे। इसका AVI सेटिंग्स को आप ऑटो में रखिएगा तो ज्यादा बेटर करता है, इससे आपकी बैटरी भी सेव होती है। एंड ब्राउजिंग में भी आप इसको क्लिक करके देखिएगा ताकि वो इनलाइन प्लेबैक में आपका चलता रहे। इसके बाद आता है डाउनलोड्स, अगर आप कोई डाउनलोड्स करते हैं तो किस वे में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप अपनी सेटिंग्स डाउनलोड सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आस्क ईच टाइम, आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पूछा जाए कि आप कौन से क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ, मैंने जैसे इसको मीडियम में किया हुआ है। इसके बाद आता है प्राइवेसी, प्राइवेसी में प्लेलिस्ट एंड सब्सक्रिप्शन, मैंने इसको ऑफ किया हुआ ताकि मैंने उसको ऑन नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि सबको दिखे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपना प्लेलिस्ट और सब्सक्रिप्शन सबको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, अगर चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके ब्लू में कर दीजिएगा, वरना ये जैसा ब्लैक इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका कनेक्टेड एप्स, आप अगर चाहें तो आप इस एप्स के साथ अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करके रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है बिलिंग एंड पेमेंट्स, जो कि यहाँ पर दिया है चूज हाउ यू मेक परचेज ऑन यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे परचेज कुछ करना चाहते हैं तो उसको आप एनेबल या डिसेबल कर दीजिएगा, मैंने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मेरा नया चैनल है, मेरा मोनेटाइजेशन अभी ऑन नहीं है। इसके बाद आता है एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में आपको मिलेगा आपकी यूजर आईडी क्या है, जो कि एक यूनिक होती है। और इसके बाद आता है आपकी चैनल आईडी, जो कि ये आता है, ये भी एक यूनिक आईडी है। उसके बाद एक आता है मूव चैनल, आप अपने चैनल को मूव करना चाहते हो एट ए ब्रांड कंटेंट या ब्रांड अकाउंट, मतलब हो गया आपका खुद का एक ब्रांड है,
ब्रांड इमेज हो जाएगी। और इसके बाद आता है डिलीट चैनल, आप अगर चाहें तो अपने चैनल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग्स जो कि आपको फर्स्ट टाइम आपको अपने न्यू चैनल पे करना जरूरी है। हाँ तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे सेटिंग्स जो कि आपके नए चैनल के बाद आपके YouTube चैनल पे होने चाहिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स की तरफ जिसको करने से आपके चैनल ग्रो करना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरे धीरे धीरे कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गाइज। YouTube आपको ओपन करना है Google Chrome पे। करने के बाद आपको उसको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डेस्कटॉप साइट पे आपको ऑलरेडी क्लिक करना है, जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपको जाना है अपने ही आइकन पे क्लिक करिएगा, जिस आइकन जो आपका चैनल का आइकन है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने ही जाइएगा योर चैनल पे। जैसे ही आप योर चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपको दिखाएगा कस्टमाइज चैनल। आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही कस्टमाइज चैनल को आप क्लिक करिएगा, YouTube स्टूडियो आपका गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही गूगल क्रोम पे ओपन होने के बाद आपको जाना है, जैसे चैनल इसमें क्लिक करिएगा, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये मेरे चैनल का खुद का पेज है। इसके बाद आपको जाना है नीचे में, देखिए एक सेटिंग्स बना हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स में जाइएगा, पहला ऑप्शन आता है जनरल। जनरल में आपको इंडियन रूपी आपको सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आता है आपका चैनल, आपका बेसिक इन्फो, आपका जो है आप जिस कंट्री से हैं, कृपया आप वही कंट्री सिलेक्ट करें जिससे आपको फायदा होगा, ताकि आपको वही बेस के कंट्रीज के आपको वीडियो आपकी वॉच करें। इंडिया करके देखेगा, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ। अब इसके बाद नीचे में आता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि बेसिक कीवर्ड्स है, जो कि आपकी प्रोफाइल के साथ आपकी महत्व को बता सके, तो वो कीवर्ड आप यहाँ पर दीजिएगा। जैसे कि मैंने दिया, मैं एक डांसर हूँ, कॉमेडियन हूँ, एक्टर हूँ, एंटरटेनर हूँ, होस्ट हूँ और एंकर हूँ, ये मैंने दे के रखा हुआ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में जाके देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ऑडियंस के, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप हमेशा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए व्हाट मेड फॉर किड्स कंटेंट, यहाँ पर आप हमेशा दूसरे नंबर को ही सिलेक्ट करके रखिएगा, यानी कि नो सेट द चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कंटेंट एज मेड फॉर किड्स। इससे क्या होगा कि 18 साल के बाद वाले जो एडल्ट बच्चे हैं, ताकि वो भी आपके चैनल को देख सके और आपके वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा रीच आए। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते तो वो किड्स तक ही सीमित रह जाएगी। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक कैप्शंस, उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, इसको कुछ नहीं करना है। क्लिप्स को आप यस कर दीजिएगा, अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट से थोड़ा थोड़ा करके वो लोग क्लिप लें, इससे आपकी वीडियो का भी ग्रोथ होगा और आपके चैनल का भी ग्रोथ होगा। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी, इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको जब ये फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि मेरे को दी गई है, तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, पहले आता है आपका स्टैंडर्ड फीचर, जिसमें दिया हुआ है अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऐड कोलैबोरेशंस एंड न्यू वीडियोस। अब ये मेरा एनेबल्ड है, आपका अभी डिसेबल रहेगा। एनेबल्ड होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती है, जो कि आपको करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर देखिए दिया हो गया है आपका, YouTube इज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर चैनल इज फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस, यानी कि आपके चैनल पे एक भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, तभी आपका ये एनेबल्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ नंबर जो टू है वो है इंटरमीडिएट फीचर, जिसमें आपका मेरा एनेबल्ड किया हुआ है। इसमें फैसिलिटी ये है कि इसमें आप वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स डाल सकते हैं, कस्टम थिंबल्स कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और अपने कंटेंट आईडी जो आप है जिसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका चैनल जो है उसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका एनेबल्ड होना चाहिए, और साथ साथ आपका फोन नंबर जो है वो यूट्यूब के साथ वेरीफाई होना जरूरी है, तभी ये आपका एनेबल्ड होगा। अभी फिलहाल ये डिसेबल रहेगा। इसके बाद का ऑप्शन आता है एडवांस फीचर, जो कि इसमें दिया हुआ है कि इसमें आपका इंटरमीडिएट एंड जो ऊपर में जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड, ये दोनों ओपन होना चाहिए, तभी आपका ये फीचर ओपन होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आप क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीमिंग डेली आप कर सकते हैं, अपलोड मोर वीडियोस डेली कर सकते हैं, क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली कर सकते हैं, एनेबल्ड लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स विद वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं आप, और साथ साथ में एलिजिबिलिटी टू
अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, आप मोनेटाइजेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे इस फीचर्स के बाद। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपका वीडियो वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, आपका आईडी वैलिड होना चाहिए और आपका चैनल हिस्ट्री भी वैलिड होना चाहिए। ये सारे लिंक आपको करना बहुत जरूरी है, तभी आपका ये लिंक आपके ग्रीन होंगे जैसे कि मेरे हुए हैं एनेबल्ड। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, मेरा चैनल छोटा है, मेरी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी करके हो रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं जैसे कि मेरा हो रहा है। आप भी नया चैनल बनाएंगे तो आपको ये इजी रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट में आपके दो ऑप्शन आते हैं, बेसिक इन्फो और एडवांस सेटिंग्स। बेसिक इन्फो में आपका यहाँ पर टाइटल, अगर आप कोई भी अपना टाइटल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने रखा हुआ है मेरे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स के, कि आ जाओ मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे, कुछ इस तरह से मेरे चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ये मैंने लिख के रखा है ताकि मेरे को बार बार वीडियो अपलोड करने के समय डिस्क्रिप्शन पे बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। इसके बाद मैंने अपना जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक करके रखा है, आप इसको पब्लिक भी करके रख सकते हैं, प्राइवेट भी करके रख सकते हैं, अनलिस्टेड, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको पब्लिक ही करके रखें। इसके बाद आपका आता है, नीचे में आता है टैग्स। कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि आपके रिलेटेड है, उसको आप पहले से लिख के रख सकते हैं, जिसको आपको सेविंग में करने में प्रॉब्लम होगा, वीडियो अपलोड करने में आपका टाइम भी सेव होगा, तो वो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका परमिशन। परमिशन में जाइएगा तो यहाँ पर आपका दिया हुआ परमिशन फॉर शशिदा एंटरटेनर, यहाँ पर आपका दिया हुआ ऐड और चेंज परमिशन फॉर दिस चैनल, ये आपका उसके लिए दिया हुआ है, आप अपना चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपका कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है कि चैनल डेट आई सब्सक्राइब टू कन रीडायरेक्ट टू माई कंटेंट। ये मैंने यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसके चैनल और मेरा चैनल मोर और लेस सेम है, तो हम चाहते हैं कि जो मेरे यहाँ पर आए वो उसको देखे और जो उसके पास आए वो मेरे को देखे, तो ये फैसिलिटी भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि कुछ ब्लॉक वर्ड जब कोई लाइव आता है तो आप यहाँ पर चुन के रख सकते हैं, ताकि ये सब अगर वर्ड्स वहाँ पर आते हैं तो वो पहले से ही ब्लॉक हो जाए, तो ये आप चीज करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आप हमेशा याद रखिएगा मैनेज मैसेज इन योर लाइव चैट, हमेशा क्लिक करके रखिएगा इसको, होल्ड पोटेंशियल वाला को, एंड कमेंट्स ऑन योर चैनल अलाउ ऑल कमेंट्स, हमेशा अलाउ करके रखिएगा, ताकि आपका जो चैनल का एंगेजमेंट है वो बढ़ता रहे। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स आपकी न्यू यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया ताकि आपके चैनल को ग्रो होने में भी समय ज्यादा ना लगे। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर लगती है कि इस मैंने सही दिया और अगर आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए और हमें आप सपोर्ट करें, आपका प्यार दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।